आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में पिछले 27 अगस्त को पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में घायल हुए एक अपराधी की जेल में मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सुपारी लेकर हत्या करने के मामले में दो अपराधियों को आरोपी बनाया गया था। इन पर 25-25 हजार रुपए के इनाम भी घोषित किए गए थे, जिसके बाद पिछले 27 तारीख को स्थानीय फूलपुर थाने की पुलिस को इन अपराधियों के खजा गांव में आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारा तो अपराधियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दो सिपाही जख्मी हो गए थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घायल अवस्था में इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं दो अपराधियों में से एक की आज जेल में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए मृतक अपराधी के परिजनों ने पुलिस पर क्या कुछ आरोप लगाया है। सुभाष नाम मेरा है, भाई दुकान है, गया जौनपुर माल लाने के लिए, बस लौटने में लोग पकड़ के वो भी मार दिए सर। और मरने के बाद हॉस्पिटल में दो दिन इलाज हुआ, मर गया। जेल जेल के अंदर ही, जेल के अंदर ही जो वहाँ से लेकर आए, जेल के अंदर है मरा। यहाँ लोग रात में 2 बजे लिए गिरफ्त किए। कैसे सूचना दी? जेलर सूचना दिए कि जाइए, गया से। अब सर देखिए, ये लड़का हमारे गांव का रहने वाला है, सुनील पासी नाम है इसका, और ये सुअर का धंधा करता था। लगभग 5-6 साल से हम लोग जान रहे हैं इसको, हाँ पशुपालन का, वो ला के काटता भी था, अपना सप्लाई भी करता था। तो कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से हम लोग को सुबह सुबह जानकारी हुई कि सुनील पासी को पुलिस ने मुठभेड़ में मारा है, जिससे पैर में गोली लग गई है। तो उसको पेपर के द्वारा ये भी मालूम हुआ कोई प्रदीप बर्णवाल थे फूलपुर के, उनकी हत्या में इसको दिखाया जा रहा है। जबकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस दिन की हत्या है प्रदीप बर्णवाल की, उस दिन हमारे गांव में एक शादी थी, उस शादी में दिन भर मौजूद रहा है और रात भर रहा है मौजूद। अब इसके बाद आगे सच्चाई या तो पुलिस वाले बता सकते हैं या तो ऊपर वाला जानता है।